तो बताइए आपके कितने फ्रेंड्स हैं और कौन कौन है और आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है। कोई ना कोई तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ही। तो आज हम लोग भी पढ़ने वाले हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो हम सभी का बेस्ट फ्रेंड है, आपका, मेरा, मम्मी पापा, आपके दीदी भैया सबका और आपके फ्रेंड्स का भी। तो वो बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं प्लांट्स एंड ट्रीज। ट्रीज एंड प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। विदाउट ट्रीज, विदाउट प्लांट, वी कैनॉट लिव। हम लोग उनके बगैर जीवित नहीं रह सकते। वी डोंट अलाइव विदाउट देम। हमें खाना खाने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है। प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, प्लांट्स से मेडिसिन भी बनता है, फ्लावर भी मिलता है ना, जो हमारे बहुत सारे काम में आता है। हमें ट्रीज की ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। कैसे? क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और जिसके कारण हम लोग जिंदा रह सकते हैं। हम लोग बिना पानी पिए कुछ देर तक रह सकते हैं, एक दिन तक रह सकते हैं, बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए भी अपनी सांस बंद कर देते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है ना। जब भी हम कुछ देर अपनी सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है, मतलब कि हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग सांस किस चीज़ को लेते हैं? हवा को, है ना। हवा में शुद्ध वायु होती है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है और हम लोग उससे जिंदा रहते हैं। और ये हमें ऑक्सीजन देता कौन है? प्लांट्स और ट्रीज, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है हम सबके। तो आज हम लोग अपने इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, एक प्लांट है। आज मैं आपके लिए एक प्लांट लेकर आई हूँ। आज हम लोग इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ फेस भी पढ़े हैं। आज हम लोग अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड प्लांट्स के बारे में, इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक प्लांट है, दिस इज अ स्मॉल प्लांट। इसका ये स्टेम है ना, ये स्टेम है, इसे हम लोग स्टेम बोलते हैं। स्टेम में क्या है? लीव्स हैं, ठीक है, पत्ते हैं। और नीचे देखिए क्या है, इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, है ना। ये कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। और ये मिट्टी के अंदर से क्या लेती हैं? प्लांट्स के लिए खाना। इनका खाना क्या है? पानी, है ना, और खनिज लवण। और ये स्टेम से ऊपर प्लांट्स को पहुँचाते हैं। ट्रीज प्लांट्स स्टेम जो है वो लीव्स को देते हैं, और लीव्स अपना खाना बनाते हैं, और फिर आगे फ्लावर को देते हैं, फ्रूट्स को देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है ना, है ना, फ्लावर है, यहाँ इसका स्टेम है, लीफ है, और ये आपको दिखाई दे रहा है इसकी जड़ें। अब चलिए मैं आपको डायग्राम की मदद से और अच्छी तरह से प्लांट्स के बारे में बताती हूँ। ये है प्लांट का डायग्राम, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। देखिए अभी मैंने आपको प्लांट दिखाया, अब चलिए हम लोग इसमें और अच्छी तरह से समझते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जमीन के नीचे इसकी जड़ें होती हैं, जिसे हम लोग रूट कहते हैं, ROOT, रूट। रूट मीन्स जड़। हर एक पौधे में, हर एक पेड़ में उसकी जड़ें होती हैं, जो जमीन के अंदर होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। और ये बहुत ही स्पेशल काम करती हैं, ये जमीन से पौधे को पकड़े रहती हैं, जकड़े हुए रहती हैं, और जमीन में से पानी, खनिज लवण खींचकर आगे पौधे को पहुंचाती हैं। अब देखिए ये क्या है, जो बीच में दिखाई दे रहा है ये मोटा डंडा, इसे हम लोग कहते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। ये पौधे को खड़ा होने में, सीधा खड़े होने में मदद करता है। अब ये है लीव्स, पत्ते, LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ता। लीफ जो है वो पौधे के लिए खाना बनाता है ना। और पौधे में होते हैं फ्रूट। आपने देखा होगा कई पौधों में फ्रूट होता है, फ्रूट, है ना। ये देखिए फ्रूट है, FRUIT, फ्रूट। वंस मोर, FRUIT, फ्रूट मीन्स फल। और देखिए ऊपर जाने पर हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, बर्ड। बर्ड मीन्स कली, है ना। ये देखिए फ्लावर है, FLOWER, फ्लावर। और ये है कली। फूल बनने से पहले क्या निकलती है? कली निकलती है, और कली बड़े होकर के फ्लावर में बदल जाती है।
बर्ड, इसे कहते हैं हम लोग बर्ड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन सभी का अलग अलग काम है ना। जैसे जड़ जमीन से पकड़कर पौधे को सीधे खड़े रखता है, पत्ता जो है वो पौधे के लिए खाना बनाता है, स्टेम जो है वो हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाने का काम करता है, फ्रूट जो है अपने अंदर बीज को संभाल के रखता है और फिर उन्हीं बीज से नए पौधों का जन्म होता है, और ये कली जो है वो बड़े होकर फ्लावर में बदल जाती है, और फ्लावर हम सभी को पसंद होता है, ये हमारी दुनिया को सुंदर बनाता है। तो आज आप ये सुंदर सा प्लांट अपनी कॉपी में बनाएंगे और इनके सारे पार्ट्स को भी लिखेंगे। हम लोग ये काम किस में करेंगे, आपको एक कॉपी मिली होगी है ना, प्लेन कॉपी, सादी कॉपी, उसमें हम लोग बनाएंगे। ये रही तो ऐसा वाइट प्लेन कॉपी आपको मिला होगा, तो आप सबसे फर्स्ट पेज में अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क का कॉपी होगा। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स को, प्लांट जो हमने आज पढ़ा है इसको बनाएंगे, सुंदर से डेट लगाएंगे और लिखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये फिगर बनाएंगे और सारे पार्ट्स का नेम सुंदर से लिखेंगे और सीख लेंगे।